हेलो भैया नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव है। आप यहीं से हैं या कहीं? मैं यहीं धर्मशाला से हूँ। आपका मदर टंग क्या है? मैं मदर टंग डोगरी लैंग्वेज है, पहाड़ी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। आपका ये सब आपका है जी? कब से आपने ये शुरू किया? मैंने अक्टूबर 2020 में ओपन किया था ये। शुरुआत के दिन में आपको कुछ तकलीफें वगैरह आए क्या? बिल्कुल, उस टाइम लॉकडाउन था, कॉलेजेस बंद थे, जो ये सराउंडिंग है यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं, तो लॉकडाउन था तो हमें स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ है। तो अब जाके कॉलेज फ्लैज ओपन हुए हैं, तो अब थोड़ा चल रहा है सिस्टम। आपका मन में कैसे आया कि ये मुझे खुलना है? एक्चुअली मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से ही हूँ, तो फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आई कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो फिर मैंने ये अपना एक आउटलेट ओपन किया। अब आपका कैसे चल रहा है बिजनेस? अब अच्छा है। आप आपके बचपन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, आप कहाँ पढ़ाई किए थे? मैं बचपन में यहीं पे पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय योलकेंट से जी। तो 99 तक मैं यहीं पे पढ़ा हूँ, और उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है पंजाब से हुई है। ओके, आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, जैसे कि तब कैसा था अब कैसे चेंज हो गया? बिल्कुल, अब बहुत ड्रास्टिक चेंज है। मतलब अर्ली 90s में यहाँ पे आप मई जून में भी स्वेटर पहन के रहते थे, और अब यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू 90s। तो एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। जो जिस चीज़ के लिए धर्मशाला फेमस है धौलाधार के लिए, वो धौलाधार अब दिखाई नहीं देती, अब ब्लैक हो गए हैं सारे पहाड़, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है। और उस टाइम से अगर कल्चरल डिफरेंस दिखेंगे कैसे? कल्चरल डिफरेंस भी बहुत है। उस टाइम यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे, अब ज़्यादा ओपन माइंडेड है, कल्चर में भी चेंज आया है। पहले अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है। पहले यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट कैफेज़ नहीं थे, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफेज़ है। टूरिज्म बढ़ा है नो डाउट, उसकी वजह से कल्चर चेंज तो आएगा। जी भैया, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया भैया।